आज एक कार्टून अखबार में देखा मैंने कि भाजपा की गाड़ी है और उसमें ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए विकास को हिदायत दी जा रही है। राजेंद्र जी का कार्टून है कि विकास अब तुम पीछे बैठो, पंडित जी को गाड़ी चलाने दो, मंदिर मुद्दा करवाना है। तो ये जब चुनाव आता है तो मुझे लगता है कि इस तरह की पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो है वो संघ परिवार का कंपल्सन बन जाती है। और ये सब कुछ जो आप पूछ रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। पिछले चुनाव के समय में भी ऐसा हुआ। काशी ने एक अभूतपूर्व जनप्रतिनिधित्व चुना था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले काशी का सीधा चुना हुआ जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री हुआ हो ऐसा नहीं हुआ था। तो काम तो कुछ हुआ नहीं, तो स्वाभाविक है कि मंदिर को गरमाना इनका एक पॉलिटिकल कंपल्सन है और उसी की एक रणनीति के तहत ये सारा जमावड़ा, चूँकि चुनाव सन्निकट आ रहा है, ये होने वाला है। लेकिन मैं समझता हूँ काठ की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती और लोग इन सब तरकीबों को समझ गए हैं कि आज जब 5 साल की जवाबदेहियाँ आपकी खड़ी हैं विकास को लेकर के, तो विकास सेकेंडरी हो जाएगा और मंदिर का मुद्दा सिर्फ आपके लिए प्राथमिक मुद्दा हो जाएगा। तो इस तरह की भावनात्मक राजनीति के खेल को लोग समझने लग गए हैं और उसका रिफ्लेक्शन साफ साफ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी इन सब जगहों पर नज़र आने लग गया है। और अगर उसके परिणाम जैसी कि सब सर्वेक्षण भी आ रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है कि चौंकाने वाले परिणाम इनकी अपेक्षाओं के खिलाफ होंगे और शायद उसका भय ही इस प्रकार की रणनीति पे ज़्यादा जोर देने के लिए इन लोगों को प्रेरित कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरी तरह से हताशा है। उनको पता है कि वो कोई भी जुमला अपना लें, कोई भी नीति लगा लें, इस बार उनकी सरकार आने वाली नहीं है। बुलेट ट्रेन का वादा खोखला निकला, 15 लाख रुपए का वादा खोखला निकला, बनारस क्योटो शहर होते होते औद्योगिक नगरी हो गया, गंगा साफ हुई नहीं। कोई भी ऐसी परियोजना जो कि इस 5 वर्षीय कार्यकाल में और इस प्रदेश की 2 वर्षीय कार्यकाल में अगर आपको बनारस की धरती पर दिखाई दी हो तो आप बताएं। संभवतः इनका ये पूरी तरह से प्रयास है कि दोबारा जो है हम धार्मिक मुद्दे को गरमा करके, ये राम के नाम पर जो ये राम की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में दोबारा आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देश की जनता इनको समझ चुकी है, पहचान चुकी है, अब इनके जुमले में आने वाली नहीं है। 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे को गरमाना चाहती है। शायद यही वजह है कि संघ प्रमुख आज वाराणसी में आ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में होंगे। वाजिदपुर जहां पर प्रधानमंत्री को जनसभा करनी है, उससे महज 200 मीटर की दूरी पर संघ प्रमुख पाठशाला लगाएंगे और पूर्वोत्तर भारत के समक्ष प्रचारकों से बातचीत भी करेंगे। माना जा रहा है कि संघ प्रमुख इस पाठशाला में राम मंदिर को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि फिलहाल संघ प्रमुख आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे और शाम से ही जुट जाएंगे अपनी नई रणनीति में। देखने वाली बात ये होगी कि उनकी रणनीति क्या होगी, राम मंदिर होगा या फिर 2019 का कोई और मुद्दा। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।